राजस्थान के कोटा में अस्पताल में बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। यहां पिछले दो दिन में 9 और बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद यह आंकड़ा 100 हो गया। कोटा की इस दर्दनाक घटना पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नेता अमित मालवीय के कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि एक महीने में 100 नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है और राजस्थान के मुख्यमंत्री से कोई सवाल भी नहीं पूछे जाते। अमित मालवीय ने एक ट्वीट में कहा कि कोटा इतनी भी दूर नहीं कि सोनिया और राहुल गांधी वहां जा ना सकें और ये घटना इतनी भी मामूली नहीं कि मीडिया कांग्रेस सरकार की इस लापरवाही पर आंख मूंद ले। अमित मालवीय बीजेपी के आईटी सेल के प्रभारी हैं। बता दें कि पिछले कई दिनों से कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। हर दिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अस्पताल के शिशु विभाग के विभागाध्यक्ष HOD डॉक्टर अमृतलाल ने बुधवार को कहा है कि पिछले दो दिन में जेके लोन अस्पताल में 8 नवजात बच्चों की मौत हुई। बच्चों की ये मौत अलग अलग कारणों से हुई। सिर्फ दिसंबर महीने में 100 बच्चों की जान गई है। इससे पहले मंगलवार को बीजेपी की महिला सांसदों की एक टीम ने जेके लोन अस्पताल के वार्ड और ICU का दौरा किया। वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राजस्थान चिकित्सा और शिक्षा विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी कर लिया। जिला मुख्यालय चिकित्सा अधिकारी BS तनवर को 3 जनवरी को दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा। सांसदों की टीम का चयन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा ने सोमवार को किया था, जिसमें पश्चिम बंगाल से लॉकेट चटर्जी, दौसा से जशकौर मीणा और मेरठ से कांता करदम शामिल थीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत के बाद बूंदी में भी एक महीने में 10 बच्चों की मौत का मामला सामने आया। इस सभी मौतें SNCU वार्ड में हुई, लेकिन इन आंकड़ों को अस्पताल प्रशासन छुपाए बैठा था। जब अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अस्पताल का दौरा किया, तब एक महीने में 10 बच्चों की मौत अस्पताल में होने की बात सामने आई। मामले को लेकर चिकित्सा विभाग का कहना है कि सभी बच्चे ग्रामीण इलाके से हमारे पास आए थे और एक महीने में सभी बच्चों की मौत हुई।